कहा कि कोई चीज सुरक्षित नहीं है। आप गए थे, अदानी वाला सिक्योरिटी गार्ड गया था सुरक्षा करने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना पर उनका शक्ति केंद्र वाला गया था। अरे राज्य सरकार के भी जिनको अधिकार है, जिनको दायित्व दिया गया है, वो सुरक्षा दे रहे हैं। कोई भारत सरकार का सहयोग नहीं है। इस बुक में अपन नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं? अभी तो आप ट्वीट कर रहे हैं ना, हम तो आपका ऐसा इलाज करेंगे कि बिहार के गांव गांव में जाकर के कहेंगे और पूरा कागजात दिखाएंगे कि देखो ये फर्जी राष्ट्रवादी है, मुंह से कहता है राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, नहीं बनाता है, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम दायित्व कर देता है। अपना इतिहास बना रहे हैं, जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगा यही ना कहेगा कि गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज हुआ। तो उस समय झंडा फहराया गया था, कहां फहराया गया था, तो जगदीशपुर में, कौन था गृह मंत्री, तो अमित शाह, किसके लिए फहराया गया था, तो इसके लिए कहा लिखा गा जाएगा। लोग क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, माफी मांगे नित्यानंद राव और अमित शाह, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं है इसमें? जनता दल यू जवाब चाहता है आपसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर और केंद्र सरकार पर जमकर बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के हमने कई स्मारक बनवाए हैं, कई पार्क उनके नाम पर बनवाए, लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो स्वतंत्रता सेनानी को भूलते जा रहे हैं और उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, पहले सुनिए उनके बारे में। कि क्या क्या काम हम लोग किए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। नित्यानंद राय इनको भी दिक्कत हो गया, ये बताइए तो आरा के जगदीशपुर के कार्यक्रम में प्रभार में थे, दिखाई नहीं पड़ा था कि जिला का संरक्षण कैसा बाउंड्री वॉल हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी ने कैसा गेट लगवाया है, झरना है, स्विमिंग पूल है, उसके अवशेष जाकर के देखना हो किसी को और वही करवाया आप लोगों ने। इसके अलावा भी विभिन्न जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मृति संग्रहालय में युद्ध की जो कलाकृति को घेरा गया है, कलाकृति को घेरा गया है, संग्रहालय में तोप के गोले रखे गए, उनके स्मृति की बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं, और साथ ही साथ कहा कि कोई चीज सुरक्षित नहीं है। आप गए थे, अदानी वाला सिक्योरिटी गार्ड गया था सुरक्षा करने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना पर उनका शक्ति केंद्र वाला गया था। अरे राज्य सरकार के भी जिनको अधिकार है, जिनको दायित्व दिया गया है, वो सुरक्षा दे रहे हैं। कोई भारत सरकार का सहयोग नहीं है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह का सम्मान करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला खड़ा कर दी, लेकिन ऐ नित्यानंद राय जी, आप बिहारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी का एक मामला है, कई अमित शाह जी को नीतीश कुमार जी ने तो रास्ता दिखाया है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को क्षैतिज आधार पर नौकरियों में 2% आरक्षण देते हैं। एक फर्जी राष्ट्रवादियों केंद्र सरकार की सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं दे रहे, यह स्पष्ट करो। दूसरा हमारा कहना है साफ, राष्ट्रीय स्मारक की पात्रता क्या बाबू वीर कुंवर सिंह के संग्रहालय को नहीं है, क्या जगदीशपुर में वह पात्रता नहीं है? और तीसरा, गिनीज बुक में अपन नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं? अभी तो आप ट्वीट कर रहे हैं ना, हम तो आपका ऐसा इलाज करेंगे कि बिहार के गांव गांव में जाकर के कहेंगे और पूरा कागजात दिखाएंगे कि देखो ये फर्जी राष्ट्रवादी है, मुंह से कहता है राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, नहीं बनाता है, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है,
तब वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज कर देता है, अपना इतिहास बना रहे हैं कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। और बाबू वीर कुंवर सिंह का नीतीश कुमार जी तो अभी करके दिखा दिया, सातवां आत्मा में पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। आप किसका, आप क्या किए हैं? श्वेत पत्र जारी करे केंद्र सरकार कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर वो उसने क्या किया है, और चले जगदीशपुर। हिम्मत है, कलेजा में दम है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को हमारे जनता दलियों के साथी जाएंगे, आपने क्या किया है उसका प्रारूप पेश करिए बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर, और हमने जो किया है उसका प्रारूप पेश करेंगे और आपको बेनकाब करेंगे। यह कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का यह अपमान कर रहा है, और देखिए कितना छलावा करता है, जिसकी चर्चा अभी मंजीत जी ने किया। स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का राजनीति का डीएनए इसका। अब आप देखिए, इसको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत का 75वां वर्ष है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत की चर्चा ये नहीं कर सकते, तो नाम बदल दिया, क्या कर दिया कि ये अमृत महोत्सव है। तो अमृत महोत्सव में कार्यक्रम किया जिसकी चर्चा इन्होंने किया, और देश का गृह राज्य मंत्री क्या बोलते हैं भाई, आपने यह कहा कि बिहार सरकार कुछ भी नहीं किया है। अरे वीडियो फुटेज निकाल करके देखिए, जिस दिन अमित शाह जी गए थे जगदीशपुर में संग्रहालय के पास, बोले बाबू वीर कुंवर सिंह को माला तो पहनाया, लेकिन संग्रहालय के अंदर एक कदम भी नहीं है। जो हमारे पुरखे थे जिनके अवशेष वहां रखे हुए हैं, विभिन्न सामान वहां रखे हुए हैं, इन्होंने कहा कि संरक्षित नहीं किया, उस संग्रहालय का विकास नहीं हुआ है। अरे देखने गए कभी? अमित शाह जी जाकर करके भी नहीं गए वहां पर। ये वीडियो फुटेज तमाम मीडिया के लोगों के पास होगा, निकाल कर दिखाइए कि वो गए थे क्या संग्रहालय के अंदर। अरे हमने तो काम किया, और 380 दिन के बाद इनका नींद खुलता है, और क्या कहा कि आरा में प्रतिमा लगे, रेलवे ने अनुमति दे दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अमित शाह के निकले सिंह वाक्य कि राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, क्या हो गया, कौन सा गुनाह है बाबू वीर कुंवर सिंह का, उनको मानने वाले लोगों का, इस बिहार के गौरव और सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये बिहार है, कानून में अधिकार आपको है, लेकिन आपका नियत गड़बड़ है। कानून में अधिकार आपको है, जो भी पुरातत्व के स्थल है, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स 1951 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का वह घोषित किया जाना आवश्यक है। जो डॉक्टर सुनील जी ने चर्चा किया और मंजीत जी ने चर्चा किया कि अभी तुरंत पार्लियामेंट के अंदर जिसकी चर्चा हमने तो पहले किया था, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बिहार का वीर कुंवर कोई भी राष्ट्रीय स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो बोले थे अमित शाह मुंह से, कैसे बोल दिया आपने, क्यों नहीं किया राष्ट्रीय, क्या गुनाह है बाबू वीर कुंवर सिंह का, ये बिहार की जनता के सामने बोलिए, और नित्यानंद राय जी जुबान खोलिए इस पर। सच यह है कि ये लोग जिस बात की चर्चा करना चाहते हैं, अब कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक बनाइएगा नहीं, और गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहे हैं। अब देखिए, फिर अब इसको दिखा रहे हैं, पिछला बार भी दिखाए थे, बड़ा ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, और आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी कि बाबू वीर कुंवर सिंह के जहां जन्म स्थली है, उनका कर्म क्षेत्र है जगदीशपुर, वहां यह कार्यक्रम होता है, और कार्यक्रम में गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज, इसमें लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैंने सांस्कृतिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट
आजादी का अमृत महोत्सव और जगदीशपुर भोजपुर 23 अप्रैल 2022 जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगा यही ना कहेगा कि गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज हुआ, तो उस समय झंडा फहराया गया था। कहां फहराया गया था? तो जगदीशपुर में। कौन था गृह मंत्री? तो अमित शाह। किसके लिए फहराया गया था? तो इसके लिए कहा अभिलेखा गा जाएगा। लोग क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें माफी मांगे नित्यानंद राय और अमित शाह? बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं है इसमें? जनता दल यू जवाब चाहता है आपसे। आप अपना नाम दर्ज करा लिया पदनाम का, लेकिन जिस वीर सपूत ने भारत माँ को जंजीर से मुक्त करने में देश की आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ी, उसका नाम इतिहास इस पन्ने से दफन कर दिया। ये घृणित मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी का है हमारे पुरखों के अपमान करने का, यह प्रमाण पत्र सीधा प्रमाण पत्र। कोई भाया मीडिया नहीं, और इतने दिनों के बाद इनको खुलता था, जुबान नहीं खुल रहा था। जुबान खोलते ना कि क्यों नहीं है बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम। साथ ही साथ हम मित्रों यह कहना चाहते हैं कि आपके पास कानून में अधिकार है, आप राष्ट्रीय महत्वता घोषित कर सकते थे, लेकिन आपको करना नहीं था, क्योंकि आपने ये मन बना लिया है कि इनका भी बाबू वीर कुंवर सिंह के स्वतंत्रता सेनानी का भी पॉलिटिकल मार्केटिंग करें। उनका सम्मान आपके मन में नहीं है, नहीं तो आप इसको आप राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते, इसको संरक्षित करते, इसको कोई काम नहीं किया। काम हम लोगों ने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है लोगों को, और हम तो जानना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के परिजनों ने गृह मंत्रालय को, उनके परिवार के लोग हैं, आप भी जाकर के उनसे पूछ लीजिए ये कैसे फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि हमारे दादा स्वतंत्रता सेनानी हैं, पेंशन तक नहीं, पेंशन नहीं। पत्र लिखा उन्होंने उनके परिजनों ने कि हमारी माली हालात अब गड़बड़ है, हमारे परिवार के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके परिजन कहते रहे स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन के बारे में निर्णय लीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। 2021 से हम जानना चाहते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि कैसा पुरखों का सम्मान है कि उनके परिजन यह अनुरोध करते रहे कि स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन की हमें पात्रता है, आप उसको स्वीकृत करिए। ना आप स्वीकृत करते हैं ना अस्वीकृत करते, इसका मतलब सीधा है कि आप उनका अपमान करते हैं। तो आपने सुना जदयू का जो प्रवक्ता है नीरज कुमार का, उनका कहना है साफ तौर पर कि जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो स्वतंत्रता सेनानी को भूलते जा रहे हैं, और वहीं बात करें तो जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो केंद्र में बिहार से मंत्री हैं, उन पर भी साफ तौर पर कह रहे हैं उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि बिहार किस तरह से स्वतंत्र सेनानी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, हम लोग सभी स्वतंत्र सेनानियों को 2% आरक्षण भी दिए हैं। तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।